ये है शाओमी का मी साउंड बार, जो कि इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। बढ़िया प्राइसिंग के साथ में आता है और जो परफॉर्मेंस है इसका काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ इशू आ गया है। जो स्पीकर है वो एक तरह से फट गया है, और जो साउंड बार है इसे मैंने काफ़ी समय पहले ख़रीदा था। और ये है रेडमी का साउंड बार, जो कि फ़िलहाल तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ये 30 वॉट आउटपुट के साथ में आता है, और अगर आप इसे और ये जो पुराने वाला मी साउंड बार है इसके साथ में कंपैरिजन करें तो ये काफ़ी स्लिम है। इसमें वैसे तीन ऑप्शंस दिया हुआ है, ब्लूटूथ है, स्पिडिफ और ऑक्सिन ऑप्शन दिया हुआ है, कनेक्टिविटी ऑप्शन। और ये जो साउंड बार है इसमें ये देखिए यहाँ पर बटन्स दिया हुआ है। जो पुराने वाला मी साउंड बार है उस पर ये देखिए ऊपर की तरफ बटन दिया था। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको ये जो रेडमी का साउंड बार है इसके बारे में बताने वाला हूँ, और क्या आपको ये जो साउंड बार है इसे ख़रीदना चाहिए या नहीं, देखते रहिए। ये है रेडमी का साउंड बार जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ये ब्लूटूथ ऑक्सिन और स्पिडिफ सपोर्ट करता है। वैसे मैं ऑलरेडी शाओमी का ही साउंड बार का उपयोग कर रहा हूँ, जो कि अब काफ़ी पुराना हो चुका है और उसमें कुछ इश्यूज़ भी आ गए हैं। जो स्पीकर्स है उसमें वो एक तरह से फट गए हैं। तो मैंने ये ऑर्डर किया हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ, और उसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसमें और जो दूसरा साउंड बार है उसमें अंतर क्या है। वैसे बॉक्स के अंदर आपको ये साउंड बार मिलने वाला है। ये देखिए एक्चुअली शिपिंग के दौरान ये थोड़ा सा डेंट हो गया है। अगर आप बॉक्स की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर काफ़ी डेंट ऑलरेडी जो कार्डबोर्ड है उस पर दिख रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली जो साउंड बार है उसके ऊपर भी यहाँ पर डेंट आ गया है। लेकिन एनीवे आई थिंक जो स्पीकर है ये काम करना चाहिए। तो नीचे से ये देखिए इस प्रकार का दिखता है। यहाँ पर रबर पैडिंग दिया हुआ है दोनों तरफ, और इसका जो साइज़ है, जो लेंथ है, बेसिकली जो पुराना शाओमी का स्पीकर है उसके जैसा ही मुझे लग रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें स्पिडिफ पोर्ट दिया हुआ है, ऑक्सिन के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर जो पावर केबल है उसे ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर आपको याद होगा ये है पुराने वाला शाओमी का स्पीकर, जो कि काफ़ी सालों से काफ़ी बढ़िया चल रहा है। लेकिन अब इसका जो साउंड है ये एक तरह से फट रहा है। जो स्पीकर है वो फट गया है। इनफैक्ट अगर आप हाई वॉल्यूम में साउंड बार का उपयोग करेंगे तो ऐसा इशू आने वाला है। इसलिए जो साउंड है उसे तकरीबन 75 से लेकर 80% तक ही रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए। तो ये अब यूज़लेस है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नीचे की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिया हुआ है, जो कि नया जो साउंड बार है उसमें नहीं दिया हुआ है। और ये जो साउंड बार है ये डिटैचेबल पावर केबल के साथ में आता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्पिडिफ और ऑक्सिन का ही ऑप्शन दिया हुआ है। बॉक्स में ये पाउच है, इसे मैं खोल देता हूँ। इसके अंदर वॉल माउंट के लिए ये अटैचमेंट दिया हुआ है, और ये है स्पिडिफ केबल, और ये यूज़र मैनुअल भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है रेडमी टीवी साउंड बार का। वैसे खास करके जो रेडमी के टीवीज़ हैं उनके लिए बनाया हुआ है। ये जो भाग है ये मेटल मेश है, और यहाँ पर रेडमी लिखा हुआ है। जो साइज़ है इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल गया होगा। ये देखिए मैं इसे इस प्रकार से साइड बाय साइड रख देता हूँ। तो ये जो पुराना साउंड बार है ये बल्की है, और जो नया साउंड बार है रेडमी का ये काफ़ी स्लिम है। वेट में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा सा हैवी है। तो मैंने यहाँ पर जो साउंड बार है उसे रिप्लेस कर दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो साउंड बार है ये थोड़ा सा छोटा है, और जो स्क्रू का जो पोजीशन है वो भी अलग है। मतलब कि मुझे फिर से नया ड्रिलिंग करना पड़ेगा इसे फिक्स करने के लिए, वॉल माउंट करने के लिए। और जो बटन्स है वो यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ से आप जो वॉल्यूम है इस साउंड बार का उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, और सोर्स भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ब्लूटूथ है, स्पीडिफ है और ऑक्सिन, तो तीन ऑप्शंस अवेलेबल है। इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है ये देखिए, इससे आपको अच्छा आइडिया मिल गया होगा। तो इसे ये जो टीवी है शाओमी का ही टीवी है, मी टीवी, इसे मैंने इस साउंड बार के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। और ये लीजिए जो वॉल्यूम है इसे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया साउंड इफ़ेक्ट आ रहा है। मैं जो दूसरा कंटेंट है उसे चेक करता हूँ। वैसे जो सिंगल साउंड बार है इसमें जो एक्सपीरियंस है आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। लेकिन ज़्यादा करके जो साउंड बार्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है वो सब वूफर के साथ में आते हैं, उनमें आपको और भी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। तो अगर आपको वैसा साउंड बार नहीं ख़रीदना है तो आप ये जो सिंगल साउंड बार है इसके लिए जा सकते हैं। There once was a peculiar doctor known for his extraordinary ability. Go, 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 go! Why? Bulls, I have terrible eyesight.
but they can sense motion. You're thinking of Jurassic Park. No, I saw a nature documentary starring David. तो ये साउंड बार है, काफी बढ़िया है। ये जो स्पीकर है इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। एक तो जो वॉल माउंट पॉइंट है वो अलग है, इसलिए मुझे फिर से ड्रिलिंग करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए जो पावर सोर्स है वो इसके साथ में अटैच्ड है, डिटैचेबल नहीं है जैसे कि इसमें था। लेकिन साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो दोनों की ही जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है, इसकी भी काफ़ी बढ़िया है। ये छोटा है उसके बावजूद 30 वॉट का आउटपुट है। और यहाँ पर जो बटन दिया हुआ है इसका उपयोग करके आप बेसिकली जो वॉल्यूम है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस स्पीकर को, साउंड बार को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और जो सोर्स है उसे भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसे स्पीडिफ पे रखा हुआ है, अगर मैं चाहूँ तो इसे ब्लूटूथ मोड या फिर जो ऑक्सिन मोड है उसमें सेट कर सकता हूँ। साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो मैं इसे 4.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा, काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप एक टीवी का उपयोग कर रहे हैं तो जो साउंड बार है उसे डेफिनेटली अटैच कीजिए, क्योंकि साउंड बार के साथ में आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है, साउंड एक्सपीरियंस। अब ये जो प्रोडक्ट है इसका प्राइसिंग मुझे पड़ा तकरीबन 6000 रुपीज़ के आसपास शिपिंग के साथ में, ऑल इंक्लूसिव। अब इसका एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ये जो साउंड बार है इसका फुल स्पेसिफिकेशंस भी दिया हुआ है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।